दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के मोहन गार्डन थाना क्षेत्र के अंतर्गत कम्युनिटी पुलिसिंग की एक अनूठी पहल देखने को मिली, जिसके चलते इलाके में सभी फेरी वालों को पहचान पत्र जारी किए गए। दरअसल इलाके की कई RW द्वारा स्थानीय पुलिस से क्षेत्र की कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर मुद्दा उठाया गया, जिसके बाद द्वारका DCP संतोष कुमार मीणा के दिशा निर्देश में फेरी लगाकर अपना गुजर बसर करने वाले सभी लोगों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए पहचान पत्र दिए गए। इस मौके पर मोहन गार्डन SHO राजेश कुमार मौर्य ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई, साथ ही कुछ फेरी वालों को पहचान पत्र का वितरण करते हुए इस पहल का शुभारंभ भी किया। बता दें कि राजेश कुमार मौर्य ने RW के सभी प्रधानों को रिक्त पहचान पत्र भी दिए, जिससे कि वो अपने क्षेत्र में फेरी वालों को पहचान पत्र जारी कर इस अभियान से जोड़ सके। क्षेत्र के सभी RW प्रधानों को संबोधित करते हुए SHO मौर्य ने कहा कि इस कवायद के द्वारा अब इलाके में विश्वसनीय स्ट्रीट वेंडर्स ही घूम सकेंगे। रेहड़ी लगाने वालों की आड़ में कोई असामाजिक तत्व इलाके में नहीं घुस सकेगा, जिससे पुलिस को कानून व्यवस्था कायम करने में खासा मदद मिलेगी। सभी का हार्दिक धन्यवाद, और जितने भी गणमान्य सदस्य आए हैं, शॉर्ट नोटिस पे आए हैं, आपका स्वागत है थाना परिसर में। पूनम जी ने और इनके साथियों ने, और शायद आप लोगों को भी इसमें सहयोग में लिया हुआ हमने, इंश्योर बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है इनका। ये अपने तहत तौर पर बड़ी अच्छी पहल की गई कम्युनिटी पुलिसिंग, जिसकी बात हम करते हैं हमेशा, अपने क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए, अपने व्यापार को सुरक्षित करने के लिए इस दिशा में अच्छा कदम है। इस तरह के इनोवेटिव कदम हमें उठाते रहना चाहिए, और नए नए इस तरह के जो हमें फायदेमंद हो वो चीज़ हमें करते रहना चाहिए, उससे हमें सब कुछ आना नहीं है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये हम जो नया सिस्टम लागू कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखें अपने ध्यान में कि कानून जो होता है वो व्यक्ति के लिए होता है, व्यक्ति कानून के लिए नहीं होता। अब मेरी बात शायद समझेंगे कि कानून आदमी के लिए, आदमी कानून के लिए नहीं है। हम कानून और ये रूल्स एंड रेगुलेशन हम अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं, इन सब चीज़ों को हम अपनी दुविधा के लिए नहीं बनाते। तो इसका पर्पज सिर्फ ये है कि एक तो जिसको भी आप ये कार्ड देंगे, एक उसके मन में भय रहेगा कि मैं यहाँ पर कोई गलत काम नहीं करूँ, कोई चोरी चकारी में ना शामिल हूँ, मैं कोई किसी को उठपटांग की या रैकी करके सूचना नहीं दूँ। तो एक तो एक प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे काम करेगा। दूसरा, अगर ये उसकी कोई मजबूरी है, ये रेडी वाला आज आ रहा है और कल को उसका बेटा आ रहा है, तो वो मेरे ख्याल से अगर आपको तस्दीक करनी है, तस्दीक करके आपको पता होगा कौन उसके फैमिली मेम्बर है और आपको पहले ही बता सकता हो, उसको आप अलाउ करें। इसको हम ऐसे रिजिडली नहीं करें कि कल को वो कह दिए तो हमारे लिए दुविधा हो। ये जो हम सबको इसमें एक कैटेगरी में नहीं रख रहे कि जितने भी ये इस तरह के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, या रेडी पे आ रहे हैं, या सब्जी बेचने आ रहे हैं, जो भी इस तरह के हमारे भाई हैं, कि सारे ही सारे गलत हैं, ये इसका ये पर्पस कतई नहीं है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। सभी सम्माननीय हैं, सभी का अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि जो गलत तत्व हैं, क्रिमिनल टाइप के एलिमेंट हैं, उनके मन में थोड़ा सा भय उत्पन्न हो कि यार यहाँ पे ऐसा अगर हो गया तो मेरा तो सारा रिकॉर्ड, मेरा फोटो इनके पास है, मैं पकड़ा जाऊँगा। तो कोई भी क्रिमिनल जो है वो पकड़े जाने के लिए क्राइम नहीं करता, वो अपना काम करके फ्रीली निकल जाना चाहता है। तो जहाँ भी इस तरह की व्यवस्थाएँ होती हैं जिससे उसको लगे कि मैं पकड़ा जा सकता हूँ, तो वहाँ पे वो नहीं आता, ये अनुभव की बात है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि इस स्कीम को, इस योजना को सफल बनाएं, अपने अपने लेवल पे इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, अपने वहाँ के रेजिडेंट्स को भी बताएं कि हमने ये स्कीम शुरू करी है, ताकि वो भी, मतलब सिर्फ आप RW के मेम्बर ही नहीं, आपके कोई भी जो वहाँ के रेजिडेंट हैं, गली मोहल्ला जो भी आपका है, वो किसी को भी चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए जो इसकी डिटेल्स हैं आपको पूनम जी ने बताई दी होंगी कि इसका नेटिग्रिटी क्या होगी, इसका रिकॉर्ड कैसे होगा, क्या नहीं होगा, तो बहुत अच्छा है, आप लोग इसको करें। और आप लोगों ने इसमें अपना अपनी रुचि दिखाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सहयोग किया इसमें, ये कम्युनिटी पुलिसिंग की दिशा में बहुत अच्छा कदम है, और इसके लिए आप दिल से आपका शुक्रिया। हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, किसी भी समय किसी भी कार्य के लिए जो न्याय संगत हो, और आपका सहयोग हमें मिलता रहे, यही मेरी उम्मीद है, यही प्रयास है।
धन्यवाद। दिल्ली के द्वारका डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी संतोष कुमार मीणा ने मोहन गार्डन पुलिस द्वारा शुरू की गई इस अनूठी मुहिम की जानकारी देते हुए इस कार्य की सराहना की। साथ ही कहा कि द्वारका डिस्ट्रिक्ट के सभी थानों में इस मुहिम को लागू करने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। मोहन गार्डन थाना पुलिस ने एक अनूठा इनिशिएटिव लिया है, जिसमें जो RWAs हैं उनके साथ में कोलैबोरेट करके जो लोकल वेंडर्स हैं, रेडी वाले हैं, उनको आई कार्ड्स इशू किए गए हैं, ताकि जो लोकल वेंडर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, ताकि उनके बीच में कोई क्रिमिनल आके एक्टिविटीज़ जो हैं वो शुरू ना हो जाएं और उन पर कंट्रोल किया जा सके, और साथ ही ये पुलिस के आईज एंड ईयर्स के तौर पर भी काम कर सकें। इसके लिए इनिशिएटिव लिया जा रहा है और फर्दर हम इस इनिशिएटिव को और थानों में भी एक्सटेंड करने की के प्रयास कर रहे हैं। कम्युनिटी पॉलिसिंग की इस मुहिम के तहत क्षेत्र के सभी RW के साथ समन्वय बनाते हुए स्ट्रीट वेंडर्स की वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी कार्ड एलोकेशन का काम समाज सेवी और पुलिस मंत्री पूनम वर्मा को सौंपा गया। पूनम वर्मा ने इस जिम्मेदारी के लिए SHO मौर्य को धन्यवाद दिया। द्वारका डिस्ट्रिक्ट DCP संतोष कुमार मीणा जी ने जब ये मीटिंग ली थी तो सभी जितने भी हमारे पुलिस प्रशासन में जितने भी पुलिस मित्र हैं RW एसोसिएशन के पास ये मैसेज गया था, पर ये शुरुआत हमारे मोहन गार्डन थाने से पहले मैंने की है कि हमारे जितने भी फल विक्रेता हैं या सब्जी विक्रेता हैं, इस लॉकडाउन में क्या है कि बहुत लोग बाहर से भी आकर सब्जियाँ बेच रहे हैं, छोटा बच्चा है, पूरी फैमिली आ रही है, तो उसे थोड़ा सा कंट्रोल हो, क्राइम में भी कंट्रोल हो, और एक आई कार्ड इशू करा गया है पूरे RW एसोसिएशन के जितने भी प्रेसिडेंट हैं उन तक। ये मेरी पूरी वो रही उम्मीद कि मैं उन तक ये कार्ड पहुँचाऊँ, जितने की हज़ारों कार्ड मैंने छपवाए हैं उनको जितने भी कार्ड की ज़रूरत है मुझसे लेंगे, और जितने भी हमारे मोहन गार्डन में जितने भी प्रेसिडेंट हैं आज ने खुद थाने में उनको ये आई कार्ड दे दिए हैं, ताकि वह लोग उनके आई कार्ड, आधार कार्ड लेकर, फोटो लेकर उनके आई कार्ड इशू करें, ताकि उन्हें थोड़ा सा भय हो, थोड़ा सा डर हो कि वो लोग बाहर जाकर सब्जी वगैरह ना बेचें, यहीं सब्जियां बेचें। और जिन लोगों को भी अगर आई कार्ड बनवाने हैं तो वो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और थाने में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मार्केट एसोसिएशन की जिम्मेवारी हमारे थाना प्रभारी SHO साहब ने मुझे दी है और मैं पूर्ण रूप से उन्हें निभाऊंगी, और मैंने खुद मार्केट के अंदर जाकर इस चीज़ का दौरा किया है, पूरी मार्केट के अंदर इस बात को के लिए जागरूकता की है, और उन लोगों के कार्ड आज इशू करके कुछ सब्जी वालों और फल वालों को दिए गए हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये हर दिल्ली के हर व्यक्ति तक ये बात जाए, हर सोसाइटी में ये बात जाए, ताकि फल विक्रेता और सब्जी विक्रेता का अपनी एसोसिएशन में एक ID कार्ड हो कि वो लोग सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, और जरूरी नहीं कि ये फल विक्रेता और सब्जी विक्रेता, मैं चाहती हूँ सभी के आई कार्ड, जो कि सब्जियाँ क्या, फल क्या, और अन्य तरीके की कबाड़ी हो गई या अलग अलग तरीके की रेडी लाते हैं, उनको एक आई कार्ड इशू, उनकी एक अपनी पहचान हो। गौरतलब है कि स्ट्रीट वेंडर्स को जारी किए गए आइडेंटिटी कार्ड में उनका मोबाइल नंबर, पता, आधार कार्ड नंबर और फोटो रहेगी। आई कार्ड पर RW के प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर भी होंगे। इसमें स्ट्रीट वेंडर का सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना प्रोटोकॉल, नाइट कर्फ्यू, साफ सफाई और सरकार द्वारा जारी नियमों का मानने के लिए बाध्य किया गया है। मीटिंग के दौरान शामिल हुए सभी RW प्रधानों ने इस योजना की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि इस योजना की मदद से इलाके में अपराध को कम करने के साथ साथ कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करवाने में बेहद मदद मिलेगी। और सबका ही फायदा है। हमारे DCP साहब ने जो ये स्कीम चलाई है, बहुत अच्छी स्कीम है, इससे हमें अपराधों को रोकने में बड़ी हेल्प मिलेगी, और इसके माध्यम से हमें पता लग जाएगा कि कोई सब्जी विक्रेता या कोई अन्य सामान बेचने वाला हमारी कॉलोनी का है या नहीं है। इस कार्ड से हमें ये हेल्प मिलेगी, और ये शुरुआत पहली बार मोहन गार्डन से हुई है। SHO साहब का इसका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत ही दिल से हम उसको शुक्रिया करते हैं। आज ये बहुत अच्छी पहल हुई है, जो हमारे मोहल्ले के अंदर सब्जी और सब्जी वाले जो छोटे छोटे रेड़ी और छोटा व्यापार करते हैं गलियों में आकर के, ना उनकी पहचान नहीं होती, कई बार पता नहीं कहाँ से आते हैं, उन्हीं के द्वारा कुछ चोरियाँ भी हो जाती हैं, तो ये आज बहुत अच्छी पहल यहाँ हुई है। पूनम जी ने इसमें पूरा सहयोग रहा, पूनम जी का भी और साथ ही SHO साहब का भी पूरा यहाँ पर मतलब सहयोग रहेगा हमारे साथ, और हम सब लोग मिलकर के ना इसमें बहुत अच्छा काम करेंगे और सभी को आई कार्ड बना के देंगे, और उनकी पहचान भी, ताकि उसकी पहचान हो सके वो कहाँ से है, उसके मन में भी डर रहे। जहाँ एक और इस मुहिम की मदद से इलाके के लोगों को साफ सफाई और गुणवत्तापूर्ण साग सब्जी और फल मिलेंगे, वहीं किसी तरह से अवांछित और आपराधिक तत्वों के इलाके में रेहड़ी और पटरी वाला बनकर वारदात करने की घटनाओं में कमी आएगी। TNN के लिए अनुजोक्ता की रिपोर्ट, दिल्ली।